एक तरफ देश में लॉकडाउन लागू है और दूसरी तरफ आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला प्रतापगढ़ के अंतो थाना इलाके का है, जहां खैरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चल गई, जिसमें पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति को गोली लग गई। गोली लगने से उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उनकी आबादी की जमीन पर आरोपी पक्ष के लोग जबरन कब्जा कर रहे थे। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति को गोली लग गई। मैं उस समय वहाँ मौजूद था। प्रकाश, सूर्य प्रकाश तिवारी, अजीत शर्मा, आशीष शर्मा, ये समस्त लोग जमीन की रंजिश थी, आबादी की जमीन थी जिसपे हमारा निर्माण हुआ था। थाना अध्यक्ष महोदय अंत द्वारा मना किया गया था, हम लोगों ने निर्माण रोक दिया था। उस पर जबरन ये लोग कब्जा कर रहे थे, जिसका मेरी भाभी ने विरोध किया, उनको भद्दी भद्दी गाली देते हुए उसे बदतमीजी की, धक्का मारे और चिल्ला के जब अखिलेश की बाउंड्री में आती हैं तो ये लोग जो है ललकारते हुए कहते हैं जो भी बीच में उसे मार डालो, और ये कहते हुए लगातार फायरिंग करते हैं। उनके द्वारा की गई फायरिंग अखिलेश के सीने में, जांघ पे और उनके शोल्डर पे ईंट ईंट लगती है, और हम सभी लोग वहाँ से पीछा पीछा कर भागते हैं।